वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप सब जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार हमारे चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ यार बेल आइकन लाजमी प्रेस करना। काफी लोग कहते हैं कि यार आप लोगों के नोटिफिकेशन नहीं आते, तो यार बेल आइकन लाजमी प्रेस करना, क्योंकि उसी की वजह से आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होते। तो उसको प्रेस करेंगे तो हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और यार अगर आप लोगों ने हम दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आप हमें वहाँ पर लिंक सेंड कर सकते हैं। कुछ भी आपने कोई बात करनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, या अक्सर हमसे वीडियो में गलती हो जाती है तो आप हमें वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। और यार आज एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि बताएं आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है। तो देखें आप लोग, हम लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, तो आपकी तरफ कैसा है? क्योंकि कुछ सिटीज में तो इंडिया में अभी भी गर्मी है, लेकिन कुछ सिटीज में तो बहुत। मैं एक चैलेंज से बात करूंगा, मुंबई में मौसम बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई ठंड नहीं उधर, उल्टा के पसीना आ रहा होगा। जितनी पॉपुलेशन उधर वहां पर उतनी गर्मी, इधर कराची में जिस तरह वजह वेदर वही थे, कराची और मुंबई वेदर थे। तो यार गाइस आज की टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है टाटा मोटर्स टू सून अक्वायर लंदन फर्म $800 million ईवी बैटरीज फर्म में। कोई ओ भाई उसको टाटा मोटर्स अक्वायर करने लगा। यानी यार मुझे ये टाटा की समझ नहीं आती, ये हमेशा लंदन से क्यों चीजें उन्हीं के लोग भाई को, ये टाटा अपने बदले लेता है। हाँ कि हमारे जो मतलब हम तुमसे बदला, यार ये टाटा की बात हो जाए हमेशा लंदन की, कोई टारगेट हमेशा लंदन, वो यूके की हमेशा। हमने पिछली बार भी एक वीडियो देखी थी लंदन में, बिल्कुल $800 million का ईवी बैटरीज का कोई मतलब फर्म है उसको अक्वायर करने लगे हैं, 800 तकरीबन $1 billion के तकरीबन, हाँ इतना बन जाता है। तो देखते हैं पूरा सीन क्या, ईवी बैटरीज भी अब इंडिया मेड इन इंडिया हो जाएंगी तो मजा आ जाएगा। तो और आने वाला फ्यूचर इन चीजों का है। ब्राइट आइडिया के वीडियो, इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों अब भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में पूरी तरह से एक लीडिंग रोल बनना चाहता है यहाँ पर टाटा। हाँ बिल्कुल, अब इन्होंने एक काफी एम्बिशियस प्लान भी कर लिया है। लंदन की एक कंपनी है, बैटरी मटेरियल्स का इनका बिजनेस है और इन्हें अब ये खरीदना चाहती है। अच्छा, जो लंदन बेस्ड कंपनी है इसका नाम है जॉनसन मेथे, और यहाँ पर टाटा ग्रुप अब फाइनली काफी सारे है कि ये ऑलमोस्ट अब होने ही वाली है, लगभग इस मंथ के अंडर ही। इनफैक्ट इसी मंथ के अंदर लेने लगा। वैल्यूएशन है तो वो भी काफी ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट $500 to $700 million की एक काफी। ओ भाई साहब, सो अब मानकर चलो कि अगर ये डील हो जाती है, टाटा मोटर्स यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, तो इनके लिए एक काफी बड़ा बेनिफिट साबित होगा। सही कॉस्ट। अभी फिलहाल मार्केट में देखे तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इन हाउस बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी रखती है। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अगर टाटा मोटर्स के पास आ जाए तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जिस तरह से नेक्सॉन ईवी एक काफी बड़ा हिट रही है टाटा के पोर्टफोलियो में, तो आने वाले समय में तो ये 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। तो सोचिए स्पेशलिटी कंपनी है ये केमिकल कंपनी, तो इन्होंने बिजनेस से एग्जिट करना इसलिए चूज किया बिकॉज जो सप्लाई चेन डिसरप्शन, फिर लोअर प्रेशियस मेटल प्राइसेस, देन यूएस लेबर शॉर्टेज, हमेशा टाटा ऐसी कंपनी लेता है जो खत्म होने के कगार पे और उसको अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है। बैटरी मटेरियल के बिजनेस में इन्हें सस्टेन करना काफी ज्यादा टफ हो चुका था। वैसे इस कंपनी की सबसे कमाल की बात यह है कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक जेड ब्लैक सब्सटेंस को डेवलप किया है। अच्छा। जिसमें निकल, कोबाल्ट, लिथियम ऐसे तमाम सारे एलिमेंट्स हैं और इसे एज अ कैथोड की तरह हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स बैटरी में। ये अभी फिलहाल का मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट है, इनफैक्ट एनालिस्ट ने भी इसका दावा किया है। और इस तरह के सेक्टर में आप देख लो, चाइनीज प्रोड्यूसर जो है CATL, इनका बहुत ही ज्यादा दबदबा है। अच्छा। यूरोप की कई सारी कंपनी जैसे यूमिकोर, BASF ऐसे तमाम सारे कॉम्पिटिटर्स भी है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर टाटा मोटर्स के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इनका भी जो सपना है कि भारत के भीतर ये एक काफी लीडिंग और काफी बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर बन जाए, ये बाकी टाटा कार भी लेगा, कार जाएगा आराम से। पहली इंडिया की कार ही टाटा ने बनाई है, वो ईवी ना नेक्सॉन ईवी। स्पेशल कंपनी भी फॉर्म की थी, एक न्यू कंपनी जो कि बस ये तो सारा हमें ढूंढ के जा रही है, ओनली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेडिकेटेड बैटरी पावर्ड वाले जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लेटफॉर्म, एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ऐसे तमाम सारे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी,
ऐसे सब काम ये न्यू कंपनी करेगी। इसी के बदौलत उनका प्लान है कि आने वाले समय में वो 10 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आए भारतीय बाजार में, एंड लंदन की ये डील फाइनलाइज हो जाने के बाद टाटा एक काफी एज पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स की लिंक चेकआउट कर सकते हो। मतलब ऐसे के साथ विद प्रूफ इसने बताया, मतलब आपको विद प्रूफ ये चीज मिल रही है। और यार मतलब इंग्लैंड की एक और कंपनी गई जो कि मैथ्यू की थी, जॉनसन जॉनसन की मैथ्यू समथिंग, हाँ उसकी थी कंपनी, वो भी गई टाटा के अंडर। तो यार तू खुद देख ले वजह, मतलब किस तरह, मतलब आजकल ये हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं हो यार, किस तरह टाटा हर चीज में आगे आ रहा है। और अभी लोगों ने फ्यूचर में यार 10 गाड़ियां लॉन्च करनी है इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक की इंडिया में लॉन्च करनी है 10 गाड़ियां, जो कि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और इनकी नेक्सॉन ईवी है, उसे भी बहुत बड़ी सक्सेस ली है इंडिया के अंदर एज इलेक्ट्रिक कार, बहुत ज्यादा चली है एज इलेक्ट्रिक, और इंडिया की पहली अपनी इलेक्ट्रिक कार। और यार फीचर्स भी उसके अंदर मुबशर, नेक्सॉन को 2 महीने में लॉन्च किया, एक दूसरा पेट्रोल वेरिएंट और एक ईवी वेरिएंट, जो कि ईवी वेरिएंट बहुत लोगों ने खरीदा और बहुत सेटिस्फाइड। बिल्कुल यार देख, मेड इन इंडिया। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान में जो टोयोटा कंपनी है अच्छी जानी मानी वर्ल्ड की फेमस, अगर वो गाड़ी बनाती है और जो टाटा गाड़ी बना रहे उसका आपस में टक्कर मार के एक दफा देख लो, टाटा क्वालिटी जाएगी, बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं कहता हूँ 100% उसको। मैंने टाटा गाड़ियों के काफी एक्सीडेंट हुए देखे हैं, मतलब कि गंदी गंदी लगी है और आगे से हल्की सी अंदर आती है, लोग भी इजली बच जाते हैं उनकी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत बहुत कमाल। और भाई जिस तरह बैटरियों में आगे आ रहा है, मैंने नोट किया हमेशा जो गिरती हुई कंपनी होती है उसको लेता है और लेता भी लंदन के अंदर। जिस तरह जैगवार लैंड रोवर एक टाइम पे गिर रही थी फोर्ड से, आज दुनिया के अंदर उनका नाम, आज अच्छा खासा नाम है पूरी दुनिया में लैंड रोवर की कारें कौन कौन यूज, कौन दुबई में, तो मैं कहता हूँ इस चीज की ढेर लगे हुए इन गाड़ियों के, लोग तो क्रेजी है। तू बस वो देख लेना, जाद जिस तरह जो गिरती हुई कंपनी होती है उनको फौरन ले लेता। अब देख जिस तरह इन बैटरियों का लिया है, आने वाला टाइम ही इसका टाटा कंपनी को कोई टेंशन ही नहीं होगी कि भाई हाँ हमें बैटरियां चाहिए, हमने इधर उधर बात कर रहे तो हमें लेनी पड़ेगी, अपनी कंपनी अपना ही कुछ। और मैं कहता हूँ अगर ये डील फाइनल हो जाती बहुत जबरदस्त फायदा हो जाएगा इंडिया को, इंडिया का हो जाएगा टोटली फायदा यार। हाँ ना, अपनी गाड़ियों में अपनी बनाई हुई चीजें लगेंगी, इंडिया तो में ही अपनी जब गाड़ियां आएंगी अपनी बैटरियों का एक जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो जाएगी। टाटा को बस एक चाहिए कि चार्जिंग पॉइंट्स लगा दे इंडिया में, मैं कहता हूँ मजा। अभी किसी किसी जगह होगा बड़े बड़े शहरों में, वो तो है लेकिन वो हर जगह पे जब आए ना तो फिर टोटली तौर पे लोग इस पे, और आने वाला टाइम पेट्रोल का खत्म हो रहा है ये यार, जिस कंपनी का होता है उसी की गाड़ी चार्ज होती है ना ऐसे, नहीं नहीं हर जगह से होती है। तो फिर तो यार सारी कंपनियों को मिलके लगा लेने चाहिए, मतलब हर किसी का फायदा होता है। बिल्कुल यार, और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय अपनी हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।